स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सर्वाइवल मोड पे। और आज हम मुंबई को एक्सप्लोर करने वाले हैं बेसिकली रात की। तो ये है सैटरडे नाइट और देखते हैं कौन कौन से लोकेशन हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. शहर है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये शहर कभी रुकता नहीं है। I thought I would never be fine. मैंने चुना है बारिश का मौसम। जी हाँ, मुंबई की बारिश आप सब लोगों को पता है कि कितना तेज यहाँ पे बारिश होती है। काफी जगह पानी भर जाता है। मेरा मेन मोटिव बारिश में एक्सप्लोर करने का यह है कि मुझे देखना है कि बारिश में मुंबई रुकता है कि नहीं, मुंबई सोता है कि नहीं। आज तो इस ब्लॉग में मजे आने वाले हैं, बने रहिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 2:30-3 बजे भी ये सेम ट्रैफिक मिलने वाला है। पीक आवर्स के कंपेयर में थोड़ा कम रहता है। पीक आवर्स में तो आपको मतलब 5 किलोमीटर अगर आप कवर कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। लेकिन रात को भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुंबई सो गया और सुनसान रास्ता हो गया। भाई साहब, गाड़ी की विंडशील्ड से धुंधला दिखाई दे रहा है, शायद साफ नहीं ढंग से हो पाई है। कोई नहीं, वी हैव द अनदर ट्रिक। ये हमारे पीछे शिवसेना भवन है और अभी काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ टाइम पहले, आपने न्यूज में सुना रहेगा, आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर के उसको लेके। तो ये है शिवसेना भवन जहाँ पे मेन शिवसेना का ऑफिस है। आ गई है दोबारा से बारिश और ऐसे मौसम में हम वहाँ पे मरीन ड्राइव भी हमारा जाने का प्लान है, पता नहीं कैसे जाएंगे और वहाँ पे अभी इस टाइम पे अलाउड होगा कि नहीं खड़ा होना, वो भी देखना रहेगा। तो हम एक रिस्क ही ले रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन ये फन जो है रात में यहाँ पे ट्रैवल करने का मुंबई में विदाउट ट्रैफिक के, वो अलग ही है। हम लोग आ गए हैं सेंट्रल लाइब्रेरी। आपने काफी मूवीज में ये देखा रहेगा। देखो मैं आपको इसको अच्छे से और दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फोटो शूट करेंगे और काफी लोग खड़े हुए थे यहाँ पे, अभी भी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुंबई नहीं सोता है और लोग काफी रात के टाइम पे, और टाइम में बता देता हूँ 2:15 हो रहे हैं इस टाइम पे। तो 2:15 तक तो अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि रात हो चुकी है। काफ़ी खुशनुमा माहौल है, बारिश थोड़ी अभी गिरी है। 1804 में लाइब्रेरी बनाई गई थी, 4 ऊपर साल भी लगा। और आज कितने साल हो गए हैं इसको? 200 साल से ज़्यादा हो गए। लाइट तो देखिए बंद है गेटवे ऑफ इंडिया की, तो वो तो हम दिखा नहीं पाएंगे, पूरा अंधेरा है। लेकिन हमारे पीछे जो है वो होटल ताज है एंड ये नया वाला बिल्डिंग है जो होटल ताज का है। पीछे देख धुंधला आपको दिख रहा होगा अंधेरी की वजह से, वो अभी हम आपको पूरा प्रॉपर दिखा देंगे। लेकिन अभी हम पीने के लिए रुके हुए हैं कॉफ़ी, यहाँ पे हमें कॉफ़ी मिल गई है, अच्छी बात है। तो यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू बिल्कुल बराबर आ रहा है, वो भी कैमरा क्या हवा चल रही है और ये पानी की
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the place. Ke baad mein abhi jo third place hai, wo aa gaya Marine Drive. Anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. देखो तीसरा प्रूफ हमें फिर मिल गया कि मुंबई नहीं सोता रात में भी। अब देखो कितना भीड़ है इस साइड भी, इधर भी आप देख सकते हैं। ये 3:20 हो रहे हैं और पूरा क्राउडेड है ये जगह। गाड़ियों की पार्किंग पूरा रोड पे लगी हुई है। यूं तो भारत के सारे शहर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ना मुंबई की थोड़ी बात अलग है। मुंबई को ना पढ़ा या समझा नहीं जा सकता। ये एक जिंदा एहसास है, महसूस किया जा सकता है। जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो बस यहीं के होकर रह जाते हैं। एक अलग ही रंग है इस शहर का, जिस पे एक बार चढ़ जाता है वो इसी शहर का हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉक में। Till then, be happy, be fit, and subscribe our channel Survival Mode.